पाकिस्तान की तकरीबन सेलिब्रिटीज बन चुकी थी, हर शख्स के मुंह पे तुलसी बर था, टिकटॉक पे आप मशहूर थी। तुलसी अब तो ट्रांसजेंडर का बिल भी पास हो गया है, अभी भी आपको हकूक नहीं मिला। केड़ा बिल? मेरा बिजली का बिल अभी जमा नहीं हुआ। तोबा की थी, उसके बाद भी लोगों ने ऑफर करवाई आपको जिस्म फरोशी की कि नहीं करवाई? अभी मेरे पास शायद 1400 नंबर ब्लॉक पे इसलिए मजबूर करते हैं जिस्म फरोशी करने के लिए। गंदे एक वीडियो पे आओ, इनकार करने पे मारा भी जाता है, शायद आपको नजर आ रहा हो। ये मेरी बाजू अभी स्वेल है। क्या पूरे मीडिया के सामने अपने बेटे को लेके आए? मैं आऊंगी, शादी करवाएं अपने बेटे के साथ मेरी। मैं एक बार दुनिया में जाने से पहले मालिक कायनात के हजूर पेश होने से पहले अपने आका के नाम का मिलाद करवाना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं तुलसी भट्ट के घर में मौजूद हूँ। जी, वही तुलसी भट्ट जो मशहूर शायर अंबर होशियारपुरी की बेटी हैं और ट्रांसजेंडर हैं। आज मुझे सुनने में आया कि उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि उन्होंने गधा गाड़ी शुरू कर दिया बाहर। तब उनके हालात का तफसीली उनसे बात करेंगे कि किस हाल में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। तुलसी, कैसी हैं आप? मैंने तो आपके एक वीडियो देखी जिसमें आप गधा गड़ी कर रही हैं, लोगों के आगे हाथ मांग रही हैं, गाड़ियों के आगे खड़े होके। जब किसी ने मुझे वो क्लिप भेजा तो मुझे यकीन नहीं आया कि आप तो बड़ी खुददार थी। लास्ट इंटरव्यू में आपसे मेरी बात हुई, तो क्या जिंदगी गुजरी आपकी? अब मैं बीमार हूँ, मुझे इस टाइम 102 के 101 बुखार, ठीक है? अभी डॉक्टर के पास आप लेके जाके चेक करवा सकते हैं। अम्मी, उसे मैं क्या करूँ? अब मुझे कुछ भी करना पड़े करूँगी। पूरा एक साल मीडिया पे बोल बोल के क्या मिला? एक साल आप पाकिस्तान की तकरीबन सेलिब्रिटीज बन चुकी थी, हर शख्स के मुंह पे तुलसी भट्ट था, टिकटॉक पे आप मशहूर थी, इवन के मैंने वीडियोस की, मेरी 3-4 मिलियन व्यूज आए, बाकी लोगों के भी आए, तो किसी ने आपकी हेल्प नहीं की? कोई नहीं आया। इस टाइम मैं तकलीफ में हूँ, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, बुखार है, दिल खराब हो रहा है, पेट में तकलीफ है, अभी कोई नहीं आ रहा। आप यकदम ही आए, बताए बगैर आप आए हो, बता के तो नहीं आप। नाज़रीन, मुझे ना तुलसी साहबा का घर का मालूम था, मुझे किसी ने बताया, इनके गली में कोई दोस्त है मेरे, उन्होंने बताया कि तुलसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 2-4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने सोचा जाकर इनसे बात की। तुलसी, अब तो ट्रांसजेंडर का बिल भी पास हो गया है, अभी भी आपको हकूक नहीं मिल रहा? केड़ा बिल? मेरा बिजली का बिल अभी जमा नहीं हुआ। दिखाऊं क्या? कैमरे मैन जरा बटन दिखाए। पंखा भी नहीं है क्या? खराब हो गया जब नसीब जल के पंखा क्या है? क्या समझते तुलसी, तुमने तो तौबा की थी, जो इंसान ने तौबा की हो उसके साथ तो लोग बढ़ते हैं, उसका साथ देते हैं। तो क्या तुम्हारी जिंदगी में चेंज आया? 20-22 साल तुमने सेक्स किया और उसके बाद तुमने अल्लाह से माफी मांगी, क्या समझती है उस गुनाहों की सजा मिल रही है? तौबा की। मेरे पास अब क्या है? हड्डियों का ढांचा हूँ, एक गुजरे हुए कल की छवि हूँ, परछाई हूँ, गुजरे हुए कल के गुनाहों का कुफारा हूँ, जीता जागता कुफारा। मेरे सर पे कोई हाथ क्या रखेगा? मैं गल्लां खड़ी हैं तो जेब खड़ी है, गल्लां डिगियां तो जेब डिग के। आपने जब तौबा की थी उसके बाद भी लोगों ने ऑफर करवाई आपको जिस्म फरोशी की कि नहीं करवाई? अभी मेरे पास शायद 1400 नंबर ब्लॉक पे हो गया। किस लिए मजबूर करते हैं जिस्म फरोशी करने के लिए? गंदे एक वीडियो पे आओ तो मिलो, इनकार करने पे मारा भी जाता है, शायद आपको नजर आ रहा हो। ये मेरी बाजू अभी स्वेल है, ये स्वेल है। मारा जाता है बगैर टॉर्चर किया जाता मारा। तो कहीं से काम की ऑफर नहीं आई आपको? तो हर जगह आप तो आपके क्या काम करना चाह रहा हूँ? मैंने ये नाश्ते का दाल चावल का सिस्टम लगाया तो लोगों ने कहा आप पोर्न स्टार हो, आप तो यहाँ पे भी सेक्स करोगी, आप तो यहाँ पे भी लड़के घेरोगी, ये मुझे कोई घर नहीं देता रहने। अब तो जो ट्रांसजेंडर का जो बिल पास हुआ जिसमें ये कहा गया कि ट्रांसजेंडर के हकूक मिलेंगे, इनको बकायदा जो है सिंपैथी मिलेगी, इनको इस बात की, मुझे जरा आप ये डेफिनेशन कर दें कि हकूक किस बात, कौन सा हकूक इस बात के कि जैसे कि आप थी, आपको लगा जब आप पैदा हुए कि आपके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग्स थी, जब आप बड़ी हुई आपको घर से निकाल दिया गया, ठीक है, तो आप उस दिन से लेकर अब तक आप दर बदर हो रही हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया कि जो भी लड़का लड़की जिसमें जो फीलिंग होगी वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकेगा, तो क्या आपको क्या लगता है इस कानून से हमारे मुल्क के मुआशरे में कोई बेहतरी आएगी? आपका नाम क्या है? इर्तज़ा। जब कोई इवेंट, कोई ऐसा काम होता है, तैयारी श्यारी करते हो? ऑफ कोर्स करता हूँ। खत करवाते हो, हल्की हल्की बेस भी बनवाते हो, आई एम राइट? कोई बालों को भी कलर करते होंगे, भी आपने ये टी शर्ट पहनी हुई है, पेंट, तो ये सिंगार
औरत करती है तो हर मर्द में 0% औरत होती है। तो इसका क्या मतलब कि वो 0% औरत के आगे झुक जाए और 100% मर्द को भूल जाए? ये बिल्कुल कर देना गुनाह, बिल्कुल वो बातल रहे ना, पर्दे में रखे, अब जो भी है इसे प्राइवेसी का टच देते। और हमें राइट ये नहीं चाहिए, बीमार हूँ अभी, तकलीफ में हूँ, ये नजर आ रहा है बाजू सुजा हुआ है, ये नजर आ रहा, अभी मुझे ये राइट चाहिए कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे वो प्रोटेक्शन मिले, मुझे दवाई मिले, मैं मुझे दूध मिले, मैं चाय पी सकूँ, मुझे रोटी मिले, मुझे ये राइट चाहिए। मुझे कोई मर्द बिस्तरे पे नहीं चाहिए। मर्द जब ये राइट नहीं थे तो क्या तब मर्द हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होते थे? 22 साल मैंने धंधा किया, मर्दों ने यूज़ किया ना, और किसने किया? ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे जिन्होंने बिल पास किया? उनको यही है कि शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए। जो राइट बनता है, जो समझ में आता है, वो बिल पास करो ना। कोई महीने का 1500 हमारा वो वजीफा लगा दो, कोई राशन कार्ड बना दो, कोई दवाई का सिस्टम बना दो। और जिसने ये बिल पास किया है, मुझे तो पता नहीं ये क्या है कि लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है कि लड़की लड़के के साथ, है ना? तो मैं उस बंदे को ये कहूँगी जिसने इस पेज पे सिग्नेचर्स अंगूठा लगा के जारी किया, उस बंदे को क्या पूरे मीडिया के सामने अपने बेटे को लेके आए, मैं आऊंगी शादी करवाएं अपने बेटे के साथ मेरी, अगर आप नहीं करवा सकते, आपको लगता है ये गलत है, तो फिर इसे फौरन के फौरन रोक देना चाहिए। कौमे आलूद, कौमे यूनुस को याद रखना हमें लाजमी, इससे पहले कोई जवाल आ जाए, अल्लाह नाराज हो जाए। फिर आप आजकल गदा गरी कर रही हो, उसी से गुजर बसर कर रहा हूँ, वो गंदा काम करने वालों से बेहतर है, फिर रोटी नहीं खानी, पैसे कमा लेती हो 400 उसमें गुजारा होता है, खाना पीना बिल शिल सब उसमें दे। बिल अभी यही रहता है मेरा देने वाला। क्या चाहती हो तुम्हारी, क्या लास्ट टाइम मैं तुम्हारा इंटरव्यू किया, मुझे मैं बड़ा शेम फील करता हूँ कि मैं तुम्हारा नंबर नहीं लगा सका उसके ऊपर, लेकिन अब आप बताओ क्या ख्वाहिश है आपकी? मैंने आपका नंबर स्क्रीन पर चलाऊँ तो लोग आपकी ख्वाहिश पूरी करते। आप मुसलमान हैं? बिल्कुल मैं मुसलमान हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल। अब मिलाद आएगी, आप लोग अपने घरों में ख़त्म करवाएंगे दुरूद, मेरे आका का नाम लेके सदके जाऊँ, खिरात ज़कात है ना, तो मैं एक बार दुनिया में जाने से पहले, माल के कायनात के हजूर पेश होने से पहले अपने आका के नाम का मिलाद करवाना चाहती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है बस। हाँ तो नाज़रीन, तुलसी की हमें छोटी सी ज़िंदगी आपको दिखाई कि बेचारी कितनी तकलीफ़ में है। ये वही तुलसी है जिसके नाम से चैनल्स ने वीडियोस बनाई। तो बस आपको महज दिखाने का मकसद यह है कि आज तुलसी को हमारी ज़रूरत है, तो मैं काइंडली स्क्रीन पे इनका नंबर शेयर कर रहा हूँ, वो भी महज वो कह रही है मैं आपके पैसों को खाऊँ पीऊँगी नहीं, सिर्फ मिलाद करवाऊँगी ताकि आपको भी सवाब पहुँचे। तुलसी आप अपना नंबर बता दो। हाँ मेरी बहुत ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश पूरी होगी और मुझे उम्मीद है कि लोग तुम्हारे साथ कॉपरेट करेंगे, नाराज़ ना हो आप, प्लीज़ दुखी ना हो, तो प्लीज अपना नंबर शेयर करो आप। 0320 040 040 6969 333 333। तो तुलसी कैसे आपसे कॉन्टेक्ट हो सकता है, कैसे कोई आपकी हेल्प है? इस पर आपका जैज कैश बना हुआ है? कुछ भी नहीं है इस पर आपका? तो कैसे फिजिकली फिर आप उनसे पैसे लेंगी जाकर? पता नहीं, वो आपकी हेल्प करवाने घर आ जाए, मुझे बुला लें, मेरे पास इस नंबर के अलावा कुछ भी नहीं, कोई बैंक अकाउंट कोई कुछ नहीं, बैंक के बाहर मांगने नहीं कोई देता, बैंक के अंदर क्या देने। अच्छा नाज़रीन, हमने तुलसी की ज़िंदगी आपको दोबारा बताया कि तुलसी 1 साल बाद तुलसी किस हाल में है, तो मेहरबानी फरमा के अगर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इनसे रابطہ करें और तुलसी के इस दुख में आप इसका साथ दें, क्योंकि उसने नेकी के लिए बुराई को छोड़ा है। तो आपसे भी गुजारिश है कि अगर उसने नेकी के लिए बुराई को छोड़ा तो हमें आगे बढ़ के इसका हाथ बढ़ाना चाहिए, इसका हाथ बांटना चाहिए दुख। अपने इस मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को और तुलसी भट्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।